नीतीश कुमार जी के मुश्किल कम होके के नाम निकले। और ओइजे अगर बात कही जा उनका सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार जी पर हमला दर हमला कर रहा बा। गोरा लगातार स्वागत और बोलो के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। नीतीश कुमार जी के बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जबरदस्त हमला भइल गुरु है। और कहा जाता है कि नौटंकी ड्रामा काहे खातिर नीतीश जी झूठ मूठ के फालतू के काहे खातिर लोग के सब जवाब दिखाओ तनी। ये बात ट्वीट करके सचिदानंद राय नीतीश कुमार पर हमला किया है कि नीतीश कुमार जी फालतू में बिना माने मतलब के विशेष राज्य के दर्जा के राग आलाप तरह यह राग आलापला से उनका कुछ प्राप्त होखे वाला नहीं है। और नाहक जौन होखे वाला चीज़ नहीं है ओकरा पर जबरदस्ती के जनता के गुमराह कर रहा बा। लगातार रुआ से बता देनी कि विशेष राज्य के दर्जा के लेकर के नीतीश कुमार जी समय समय पर बात करत रहल बा। एक पहले भी जब वो NDA से बाहर भई रहन तौना घड़ी भी विशेष राज्य के दर्जा के बात कैले रहन। हालांकि नीतीश कुमार जी भी ये बात के खूब बढ़िया से जानते रहन कि विशेष राज्य के दर्जा के मांग उनकर पूरा अभी वर्तमान परिस्थिति में ना हो सकेला। लेकिन जब जब चुनाव के माहौल आवेला तब तब विशेष राज्य के दर्जा विशेष रूप से सामने आ जाला। यही सब बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी के MLC सचिदानंद राय जौनकी रुवालों के पता बुड़ू है कि खुद अपना पार्टी के भी विरोध कैले रहन लोकसभा चुनाव में, उनका के मनावे खातिर कई गो नेता के लगाओल गिर है और फिर कैसे कैसे करके माना रहा। अब वो सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर हो गिर बड़े। हालांकि नीतीश कुमार पर हमलावर तो पहले से ही बड़ा वो खेमा के सदस्य बड़ा जौन खेमा नीतीश कुमार के NDA से अलग करे के बात लगातार कह रहा बोलिए। सचिदानंद राय ही उ शख्स हवे जौन ई कहले रहन कि आज अगर नीतीश कुमार के 16 सीट मिलल बा तो ओकरा पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के बड़ा नाम और चेहरा बा। नीतीश कुमार जी पर अतने सिर्फ नहीं कहले, सचिदानंद राय के कहना बड़ू है कि अपन कमी छुपावे खातिर अपन इतना दिन के कई नाकामी के थी वो विशेष राज्य के दर्जा के गीत का होता है। एक गीत गौला से अच्छा बढ़ू है कि वो बिहार के विकास में लागस और केंद्र सरकार लगातार मदद कर रहा बा, वो मदद के ले करके और बिहार के विकास करस, बिहार के उत्थान करस। लेकिन उनका ये सब करे के जरूरत नहीं है, वो सीधे कैसे हूँ उलझा के मामला के अपन कमी छुपावल चाहत रहन। ये बात अब बड़ा गंभीरता से लिहल जा रहा बड़ू है और ये बात के असर कितना पड़ी गठबंधन पर इहो देखे वाला बात हुई। लेकिन सचिदानंद राय ही ना भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कई गो नेता बड़े जौन लगातार नीतीश कुमार जी के ऊपर हमला कर रहे बड़े। एक पहले भी नीतीश कुमार जी के सरकार उनका प्रशासन पर हमला लगातार हो रहा बा। एक अलावे कई गो ऐसा नेता बड़े, चाहे राजेंद्र सिंह के नाम रुआ ले ली ही, एक पहले छेदी पासवान भी हमला कैले रहन, सुशील कुमार सिंह भी हमला कैले रहन, अब लगातार इस संख्या में इजाफा होते हुए और नीतीश कुमार के सरकार, नीतीश कुमार के मंशा और नीतीश कुमार के क्रियाकलाप पर अंगुली उठावे के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शुरू हो गई बा। पहले तो विपक्षी हमलावर रहे, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने लोग से घिरल चल जाता रहन। देखे वाला बात हुई कि सचिदानंद राय के बयान के बाद नीतीश कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होते हुए, जदयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होते हुए, या फिर सचिदानंद राय पर भारतीय जनता पार्टी यह बयान खातिर कोनो एक्शन लेते हुए, चूँकि दोनों पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों सरकार में बिहार में शामिल बाड़े और अगर कोनो कमी बढ़ुए विकास नहीं के हो तो दोनों के सामूहिक जिम्मेवारी बढ़ुए। नीतीश कुमार जी पर सिर्फ आरोप लगौला से भारतीय जनता पार्टी बरी ना हो सकेला। तत्काल तो नीतीश कुमार जी बैकफुट पर जरूर बाड़न, चूँकि उनका साथी ही उनका पर आरोप लगाते रहे गलत बयानी के, गलत फहमी के और जनता के बरगलावे के। यहाँ तक ले सवाल उठा दिले बड़े कि बिहार में विकास नहीं के भइल, नीतीश कुमार जी अपन कमी छुपावे खातिर इस तरह के उलझुल मुद्दा जौन बा उठा रहा बा। जुड़ल रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। खबर तो हमनी के सब रुवा लोग भी पहुँचा दिया और खाली बस रुवा लोग अपने करे बा कि हमनी के हौसला अफजाई खातिर, हमनी के मन मिजाज तनी गदगद रहे ओकरा खातिर है सब्सक्राइब वाला बटन बा, अपना हित नाता गोटिया पटदार संगी सलेहर जे भी बा ओकरा से करवा दी और ओकर साथ साथ तू घंटी दबवा देव। घंटी दबौला के बाद सब खबर वालों के सेतिया में मुफ्त में फ्री में मिल जाएगी, एको पैसा दाम खर्चा करे के जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर में मिला तनी गोड़ लगा तनि।